Stop talking nonsense, Shweta. Nonsense? प्रशांत, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी इस वक्त की दिमागी हालत को। I mean, ये सुनकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम झूठ बोलकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो तुम, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। Let me tell you something, निशांत। झूठ मैं बोल सकती हूँ, मेरी रिपोर्ट नहीं, ये रही। और ये डॉक्टर ने तैयार की है, मैंने नहीं। मुझे तो तैयारी करनी है तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। पढ़ोगे नहीं? नहीं पढ़नी मुझे कुछ रिपोर्ट्स, और ना ही मुझे कुछ सुनना है। कोई बात नहीं, मत पढ़ो निशा। मैं जानती थी कि तुम इसमें मेरे साथ किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, लेकिन इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी विशांत, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये अपना नहीं बना पाई क्या? तुम ये बच्चा मुझे एहसास देता रहेगा कि तुम अपने ही। नो हार्ड फीलिंग्स विशांत, इस बच्चे ने आकर मेरे मन की सारी कड़वाहट दूर कर दी। Congratulations, Shweta. कितनी स्वेलिंग है, और कह रहे थे कि कुछ भी नहीं लगा। देखो चिराग, ऋचा आंटी यहाँ पर आती हैं, अच्छी बात है, आपके साथ खेलती हैं, और भी अच्छी बात है, लेकिन क्या जरूरत थी उन्हें जाकर किचन में खाना बनाने की? वो उनका नहीं, पापा का आइडिया था, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। बहुत ग्रेट आइडिया था आपके पापा का, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या जरूरत थी उन दोनों के साथ जाके किचन में हेल्प करवाने की? मुझे अच्छा लगता है उनका हेल्प करना। तो ठीक है, अब तुम्हें ये दर्द भी अच्छा लगना चाहिए। रात को जब दर्द बढ़ जाए ना, तो अपने आप से यही कहना कि मुझे ऋचा आंटी की हेल्प करना अच्छा लगता है, चाहे मुझे चोट ही क्यों ना लग जाए। ठीक है ना? ठीक है। How the hell am I supposed to know, Karan? How am I supposed to know? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बात कब करनी चाहिए तुम्हें। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा। You know, दर्शन, अभी नहीं बता सकता हूं मैं। अगर तुम नहीं बताओगे, then I will go and speak to them, Karan. मैं जाके बीजी से बात करूंगी, क्योंकि उन्हें मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा। Sharon, listen. बाबूजी, ऑफिस में काफी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी सोचा घर तो चलना ही चाहिए। तो इसे सफाई किसने मांगी है? और फिर अपने घर आते हो थोड़ी सोचता आदमी के देर हुई है जल्दी। कॉफी पिएगा? हाँ। बाकी लोग सो गए क्या? हाँ भाई, 11 बज चुके हैं। अब मेरी बात और है, उम्र के साथ साथ कुछ नींद भी कम हो गई है, लेकिन जितनी सोता हूं अच्छी सोता हूं। तबीयत तो ठीक है तेरी? जी बस ऐसे ही, इसलिए इस वक्त। तू जा जाके आराम कर, कहीं बुखार तो नहीं तुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तबीयत संभाल विशांत, बिना सेहत के ना तो नौकरी संभलती है और ना ही घर। अब तो कुछ भी नहीं समझा जा रहा बाबूजी, आपका बेटा कहलाने लायक भी नहीं रहा, इतनी सी भी अच्छा ही नहीं है मुझे। कैसी बातें कर रहा है तू? दरअसल तू मेरी बातें समझता नहीं है, तुझमें तो हजारों अच्छाइयां हैं, बस नौकरी तूने गलत चुनी है, इसलिए हमेशा परेशान रहता है। आप ठीक कहते हैं बाबूजी, ये नौकरी मुझे छोड़ देनी चाहिए थी। बैंक को एक बड़ी सी कॉम्पेंसेशन देनी पड़ती, बस कहीं ना कहीं से कर लेते। तो दिक्कत इस बात की है, जब फैसला कर ले उस दिन छोड़ दे, हम है ना, तुझे किस बात की परेशानी है? खैर छोड़ इन बातों को, तू थका हुआ है, जाके आराम कर, अब ये बातें फिर कभी करेंगे। Thank you.
बताओ जी, सो गए या जाग रहे? जाग रहे हैं, उन्होंने कॉफी दी। तुमने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है। सिमरन, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं सच्चाई का सामना करने की, पर कहूं भी तो किससे कहूं? तुम्हें से कह सकता हूं? कह सकते हो। मैंने सिर्फ कहना छोड़ा है, सुनती तो मैं हूं। मैं जानती तुम क्या कहना चाहते हो। यही बताना चाहते हो ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे पता था ऐसे ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाहती थी। और श्वेता को तो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। उसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। I don't know. अभी तुमने मुझसे कहा ना कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो मुझे, तो अब क्यों कह रहे हो कुछ नहीं? क्यों कहते हो that you love me? I do love you and you do mean the most to me. तो फिर कहते क्यों नहीं हो कुछ? क्यों कह रहे हो कि कुछ नहीं कहना चाहते हो? तुम्हारे मन में जो कुछ भी अच्छा है, बुरा है, सच है, झूठ है, कहो मुझसे। तुम्हारी रोज रोज की चुप्पी मुझे मार रही है अंदर ही अंदर। मैं मर रही हूँ विशांत, do you understand? मैं मर रही हूँ। मरना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। I can't take this anymore. मैं आँख का कैंसर मुझे क्यों नहीं हो जाता? क्यों क्यों खत्म कर रहा है भगवान उसे? मरना तो मैं चाहती हूँ। आई विश तुम्हारा कैंसर मुझे हो जाए, मैं तुम्हारी जगह मैं मर जाऊं। चिराग, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। बस कुछ मुट्ठी भर पल बचे हैं मेरे पास, जो ना छोड़ रहे हैं ना अपना रहे हैं। मैं बहुत थक गई हूँ चिराग, ना अब ताकत है मेरे पास ना हिम्मत। बस आपके लिए जो प्यार है उसी पर जी रही हूँ मैं। आपको बहुत प्यार करती हूँ मैं, इसीलिए तो ऋचा आंटी की बातें सुनकर जलस हो जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे अलावा भी कोई है जो आपको इतना प्यार करता है, जो आपके पापा के लिए केयर करता है, जो मेरे चले जाने के बाद भी आप दोनों को खुशियाँ दे सकता है, प्यार दे सकता है। मैं तो जाकर भी कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती चिराग, क्योंकि मैं बहुत अनलकी हूँ बेटा, बहुत अनलकी। भाभी, ये क्या, आप भाई साहब के साथ बैठ के नाश्ता क्यों नहीं करती? बस अभी आती हूँ। जल्दी आई। अमन, ये शिव क्या बता रहा था कि तू यूएस जाने की सोच रहा है? जी बाबूजी। बैठे बैठे क्या सूझी तुझे? ये सूझा क्या बाबूजी, बुलावा है उसे टेक्सास से, और मेरे ख्याल से उसे आगे बढ़कर हाँ कहना चाहिए। उसके कैरियर के लिए भी तो शेव, एक बेटे के कैरियर के बुखार का नतीजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन विशांत को अपने घर की तरफ से या बी बच्चे की तरफ से कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इसकी बात ऐसी नहीं है, चिराग अकेला रह रहा माया के पास, दूर रहता है, इसलिए तो जा रहा हूं। अगर मेरे साथ होता तो जाने की क्या जरूरत है? पास नहीं रहता लेकिन एक शहर में तो है। भावजी, जब दूरी रहता है तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो दूरी 4 मील की हो,
400 मील की, 4000 मील की क्या फर्क पड़ता है? अमन ठीक कह रहा भाऊ जी। क्या ठीक कह रहा है? इन तर्कों से मसलों का हल नहीं ढूंढा जा सकता। एक बच्चा अपने घर में अकेला अपने कमरे में सो लेता है क्योंकि उसको यकीन होता है कि बगल वाले कमरे में उसके माँ बाप सोए हैं, इसलिए उसे डर नहीं लगता। लेकिन अगर उसे पता लगे घर में अकेला है तो क्या बिना डर के सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। मन कम से कम चिराग को इस बात का यकीन है, इस बात का इत्मीनान तो है कि वो जब चाहे तो इससे मिल सकता है, मुझे बुला सकता है। यही फर्क होता है 4 मील, 400 मील और 4000 मील में। शायद आपका कहना ठीक है भाऊजी, लेकिन मैं तो थक चुका हूं। बेटे थक जाने से जिम्मेदारियां नहीं दूर होती और ना ही उनसे भाग सकते हैं। बाऊजी वो वहां सेटल थोड़ी ना होने जा रहा है, साल भर के लिए जा रहा है, तो वहां से वापस आ जाएगा। वैसे भी आप माया का बर्ताव देख ही चुके हैं, थोड़ा दूर रहेगा तो। शिव आप दूसरी में? हाँ वो है। भाई मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे इसकी अपनी मर्जी है, इसका कैरियर है, इसकी जिंदगी है, बेटा भी इसी का है। चिराग से बात की इस बारे में तूने? जी भाई। तबीयत कैसी है? दर्द तो नहीं हुआ रात को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वेलिंग है क्या? नहीं। चिराग आई नो मामा जरा जरा सी बात पे इरिटेट हो जाती हैं। कल रात को भी मैंने आपको खामखा डांट दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं। मामा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या चिराग? मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू गो बैक टू बाऊजी हाउस। बट चिराग आई प्रॉमिस यू मैं अब आपको नहीं डांटूंगी। मैं आपसे ऋचा आंटी के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगी। आप मुझसे नाराज मत हो चिराग। मामा मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बट आई मिस बाऊजी। मैं पापा के पास वापस जा रहा हूँ। लेकिन आप चले जाओगे तो मामा का क्या होगा? मामा तो अकेली रह जाएंगी ना। मामा आप तो अकेले रहना चाहते थे ना। लेकिन चिराग मामा आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। मामा आपने ये बात पहले भी कही थी पापा से, याद है आपको? आप तो कहती थी कि पापा आपकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स है, मोटिवेशन है। आप तो कहती थी कि आप उनके बिना जी नहीं सकती, तो फिर आज कैसे जी रही हैं आप? आपको इस घर में किसी की भी जरूरत नहीं है, ना इस घर के लोगों की, ना पापा की और ना मेरी। ये चिराग की फिक्र तो अमन को भी है, वो माया के पास रहता है, इसका मतलब। मैं मानती हूँ, लेकिन बाऊजी का भी तो अपना नजरिया है। मुझे तो हैरानी हो रही थी, ये बाऊजी को क्या हो गया? वो तो कभी नहीं ऐसा सोचा करते थे, आज पता नहीं अचानक। आप एक बार बाऊजी की तरफ से भी तो सोच कर देखिए, कल को अगर मालविका हम लोगों के साथ ऐसा कुछ करे तो। मालविका के बारे में कल की बात मत कहो मालती, मैं आज ही साफ किए देता हूँ, जिसे मैं अपनी औलाद मानते नहीं उसके बारे में। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस गुस्से में झुलस कर भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दुनिया के सामने दूसरों के सामने कहना अलग बात है, अपनी औलाद को गैर कहा तो जा सकता है लेकिन माना नहीं जाता। हम उसे अपनी बेटी मानते रहे और वो दुनिया के सामने हमें अपना दुश्मन कहे, ये कहां का? मानते रहे बच्चे, दुनिया के सारे हक उन्हें दे दें तो भी वो कम ही बढ़ेंगे, क्योंकि जन्म लेकर वो जो खुशियां हमें देते हैं ना, उसके सामने हमारी सारी चीजें हल्की पड़ जाती हैं। रहने का लगी आजकल वो, बताया उसने।
आर्यन के साथ उसके घर में। हम इस बारे में और चर्चा नहीं करेंगे बाल्टी, मेरी बर्दाश्त के बाहर है ये सब। एक बात कहूं मालती, अगर भगवान ने मुझे राधिका जैसी बेटी ना दी होती तो मैं कब का खत्म हो गया होता। मैं ऊपर वाले ने कुछ तो ख्याल रखा मेरा। सिर्फ ऊपर वाले ने, मैंने नहीं। इस बात पर कुछ कहने की जरूरत है मुझे मालती? नहीं, मैंने तो बस यही कह दिया। मालती, वो शिशिर को फोन किया था ना तुमने? अचानक ये बात कहां से आ गई? नहीं, ऐसे ही वो याद आया तो पूछ लिया। कर दिया था जैसा आपने कहा, कह दिया था। नाराज हो मुझसे? कमाल करते हैं आप शिव, कमाल करते हैं आप पापा। क्या बात है मम्मा, पापा को क्यों डांट रही हैं? अच्छा, और जब मुझे डांट पड़ती रहती तब मुझे बचाने तो नहीं आती तुम? पॉइंट नोटेड। पापा, आइंदा मुझे ऐसी शिकायत सुनने में नहीं आनी चाहिए। हाँ बेटा, शिकायतें ही तो दी हैं मैंने तुम्हारी मामा को। क्या बात है पापा? कुछ नहीं बेटे, मैं इन्हें कह रही थी कि मालविका को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने इन्हें बता दिया आजकल मालू कहाँ रहने लगी है? भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या, कैसा, किस किस्म का है ये कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट? पापा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको सरप्राइज करना चाहती हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि इस शहर में ऐसा कुछ है ही नहीं, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है और कंसर्न लोगों से भी मिल चुकी हूँ। लेकिन तुम मुझे वहाँ का लेके जा रही है? पापा, हम किसी शॉप या रेस्टोरेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम उस ट्रैम की तरफ जा रहे हैं। बाबा ठीक है, लेकिन मुझे ये बता कि तेरा ये कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट खुलेगा कहाँ? उस ट्रैम में। इसमें? चलिए ना पापा। आइए पापा। ये है हमारा किचन एरिया, वहां और इस तरफ लोग बैठेंगे और बाहर शहर का नजारा लेंगे। देव, कैन वी मूव नाउ? यस मैम। आइए। ट्रैम अपनी मीठी स्पीड से चलने लगेगा और लोग यहाँ बैठेंगे। बैठिए। अच्छा। सो कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज? अच्छा, बहुत अच्छा। पापा, द बेस्ट पार्ट इज आसिफ भाई हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। बस अब थोड़ी देर में हम ऑफिस चलेंगे और वहाँ आसिफ भाई और उनके असिस्टेंट जॉन से मिलेंगे। ऑफिस? हाँ, इस रेस्टोरेंट का एक छोटा सा ऑफिस है जो स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में है, जहाँ आप और मैं मिलकर काम करेंगे। बेटा जी, ये मेरे पीछे क्या क्या काम चलता रहा है? पापा, मैं आपको सरप्राइज करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं। आप खुश हैं ना? खुश? मेरी खुशी कब? मैं क्या बताऊं बेटा?
मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। यस कॉफी। And all right, this young entrepreneur. परसों आपके रेस्टोरेंट का ओपनिंग है, इस वक्त कैसे लग रहा है आपको? अरे मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। Can I tell it to you? At the same time, मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि कि फाइनली मेरा रेस्टोरेंट खुल रहा है, जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की है और जो तुम्हारा मेरे ख्याल से फर्स्ट पेट प्रोजेक्ट है। Exactly. I'm so proud of you today. अरे मैं भी बहुत खुश फील कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट में जो भी कुछ हो बिल्कुल परफेक्ट हो, और पहले दिन का रिस्पांस इतना अच्छा होना चाहिए कि डैनी अंकल बिल्कुल फेंट हो जाएं, यू नो ही शुड बी सो इंप्रेस्ड। वैसे तुम्हारी गेस्ट लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। वेल आई एम क्रॉसिंग माय फिंगर्स हमारे सेल्स का रिस्पांस भी उतना ही इंप्रेसिव हो, यू नो। सो तो होगा, सो तो होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। हियर सर बताओ। अरे ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी में जब हम कुछ अचीव करते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में अभी बहुत कुछ है जो अचीव करने के लिए। देयर सो मच टू लुक फॉरवर्ड इन लाइफ, देयर सो मच टू लर्न, देयर सो मच टू गेन। और हो सकता है शायद मुझे ऐसा फील होता हो, बिकॉज जिस तरह की फैमिली से मैं हूँ ना, वहाँ पे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कभी मैं इंडिपेंडेंट करियर वुमन हो सकती हूँ। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। तुम इंडिपेंडेंट करियर वुमन बनोगी नहीं, तुम बन चुकी हो। एंड यू गो अहेड एंड बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड मेक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। यू थिंक सो? आई नो सो। आई फील सो कॉन्फिडेंट। Let's get a hot dog, come on. Oh. Get up. विशांत, सिमरन मेरी बहन है। मैं उसकी नेचर को अच्छी तरह जानता हूँ। वो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। Why are you getting so upset? रंजीत, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूँ। वो तुम्हारे ऑफिशियल झमेलों से तंग आ चुकी है विशांत। मैं तुम्हारी परेशानियों को समझ सकता हूँ, पर एक बीवी कैसे समझे? उसने मुझे तुम्हारे प्रेसिडेंट के बारे में बताया, व्हाट्स हर नेम, श्वेता सुमाया। रंजीत, आई एम इन अ मेस। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसीलिए तुझे यहां पर बुलाया है। यार मैं अपनी करियर में इतना मशरूफ था कि मैं एक दलदल में फंसा चला गया। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। यार रेजिग्नेशन के नाम से डर लग रहा है। यू नो इट्स नॉट दैट। उसके लिए मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। खैर अब तो उससे भी डर नहीं लगता। विशांत, इट्स नॉट सरप्राइजिंग जिस तरह से ये तुम्हारी प्रेसिडेंट श्वेता सुमाया बिहेव कर रही है। श्वेता मुझे पहले से ही परेशान कर रही है, लेकिन अब तो वो मुझे तबाह करने पर तुली हुई है। I really have nowhere to go. ऐसा क्या कर दिया उसने? She's pregnant. तो? संजीत वो मुझे खत्म कर देगी, और वो ये बच्चा सिमरन जानती है ये बात? उसे मैंने बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जुटाना भी मत। और तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? एक आदमी जिसने अपने परिवार को, अपने बीवी को इतना तंग कर रखा है, जो एक बार, सिर्फ एक बार इतना हिम्मत नहीं कर सकता है कि उनके लिए कोई कदम उठा सके, जो आज जब मेरी बहन की जिंदगी नरक बन चुकी है मुझसे मदद मांग रहा है। ashamed of you, विशांत। मैं तुम्हें कमजोर आदमी जरूर समझता था, लेकिन तुम्हें तो जमीर ही नहीं है। संजीत, मैं मानता हूं सारा कसूर मेरा है। मैंने अपनी पूरी फैमिली को बहुत दुख दिया, लेकिन क्या एक बार तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस हालत में? तुम्हारा मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि
मेरी बहन को अब तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। जी रंजीत, पापा आप जरा ये इनविटेशन की लिस्ट देख लेंगे। बस कर बेटा, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, मैं संभालता हूँ। आप भूल रहे हैं परसों रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। क्या हुआ पापा? रब से शिकायत करता रहा कि उसने मुझे बेटा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर होता तो ये करता, वो संभालता, पर आज डर रहा क्या करता हूं? एक काम ही तो संभालता। पर क्या सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक बाप को जीने का मकसद देता, जो कि आज मेरी बेटी मेरे लिए कर रही। पापा, बेटा मेरी बात, मेरे जज्बात वही शख्स समझ सकता है जिसकी जिंदगी में एक बेटी का प्यार खुला हो। वही समझ सकता है कि प्यार की मिठास के आगे जमाने भर की कड़वाहट एक पल के लिए भी नहीं टिक सकती। आज ये बात मेरी समझ में आई कि जब भगवान किसी को बेटी देता है तो उस पर नाराज नहीं होता, मेहरबान होता उस पर। ऐसे भी कोई रोता है पापा? मैं ये सब इसीलिए कर रही हूं बिकॉज आई लव यू सो मच। I'm very proud to be your daughter. It is so frustrating, Rani. शरण को मुझसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसे तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, ये बात वो क्यों नहीं समझती? Why can't she be as understanding as you are? क्यों नहीं वो तुम्हारी तरह से? रानी मैं थक गया हूं। I've given up. ऐसा नहीं सोचते करण। उसने तो मुझसे कह दिया है ना कि अगर मैंने बिजी को उसके बारे में नहीं बताया तो वो खुद जाकर बता देगी। गुस्से में कहा होगा उसने। I'm sure she didn't mean it. I know Sharon. तुम उसे नहीं जानते हो। उसकी जिद, उसके गुस्से को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं सब संभालूंगी, don't you worry. इसीलिए तो मैं तुमसे बात कर पाता हूँ। तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है मुझे। वो गुस्से में बात कर रही है, आप मायूसी में बोल रहे हैं, और बात इतनी बड़ी है ही नहीं। चलिए घर भी तो जाना है ना। आशिव, काम कैसे चल रहा है?
राधिका ने कार्ड दिखाया था मुझे, बड़ा अच्छा लगा। बाबूजी, मेरे हिस्से काम करने को बचा ही क्या है, बस एक आध यहाँ वहाँ, बाकी सब तो इसी ने संभाला हुआ है, कुछ नहीं है मेरे पास काम करने को। तो अच्छा ही है ना पापा, आप आराम कीजिए। आई थिंक यू शुड राइट अ बुक, फॉर इंस्टेंस व्हाट दे डोंट टीच यू एट द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। आप किताब लिखिए, मैं उसे एडिट करूंगी। सही कह रही है भाई साहब, मेरे पास प्रूफ रीडिंग करने का बहुत सारा टाइम है, मैं कर लिया करूंगी। बाबूजी सुनिए चाची भतीजी की बातें। अच्छा भाई साहब, आपका डिनर लगा दूं या भाभी के आने के बाद खाएंगे? मालती अभी तक आई नहीं आर्ट गैलरी से। नहीं, वहां से तो आ गई थी, फिर कहीं बाहर गई है। इस वक्त कहां गई हो? हाँ, उन्होंने कहा आते आते देर हो जाएगी, डिनर के लिए वेट नहीं करने को। हेलो आंटी, आप यहाँ? हेलो, मालविका है क्या? जी हाँ, वो घर पर ही है, आइए ना, प्लीज प्लीज आइए। मालविका, मालविका, एक मिनट आंटी बैठिए ना प्लीज, एक सेकंड। मालविका देखो तो कौन आया। मामा, कैसी हो तुम? जैसी पहले थी अब वैसी नहीं हूँ, पहले से ज्यादा खुश और सुकून में हूँ। अब बैठे ना आंटी प्लीज बैठे। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई थी कि जो होना था उस दिन हो चुका, एक दिन के बाद से इस तरह रिश्ते नहीं तोड़े जाते। घर चलो बेटा। मामा, अब यही मेरा घर है। जितना प्यार और अपनापन मुझे इस घर से मिला, उस घर से कभी नहीं मिलता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने आज तक तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं टोका, कभी ये नहीं कहा कि आर्यन से मत मिलो, उसके साथ। वो इसलिए क्योंकि आप लोग मुझे लेकर पूरी तरह से इंडिफरेंट हो चुके हैं। मैं कुछ भी करूं आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो दैट। ये तुम क्या कह रही हो? कैसे हमें फर्क नहीं पड़ता? क्या हो गया बेटा तुम्हें? अरे तुम इसे समझाओ ना। सच बताओ आंटी, मैं मालविका से प्यार तो जरूर करता हूँ, लेकिन उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता मैं, बल्कि उसके घर छोड़ने के डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी नहीं किया था मैंने। गुस्से में लिया गया फैसला उम्र भर का भार सहन नहीं कर सकता, खासकर ऐसे रिश्ते में जिसका कोई नाम तक नहीं। नाम और बेनाम की डिबेट मत करिए मामा, इट्स एब्सोल्युटली मीनिंगलेस फॉर मी। आप लोग नाम की बात करते हैं, आप लोगों ने राधिका को एक ऐसे रिश्ते में जोड़ दिया जिसमें सिर्फ नाम का टैग था और कुछ नहीं। बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था मैरिज, शादी, पर आप देख रहे हैं वो कैसे सफर कर रही है। चैन पड़ गई आप लोगों को? इसमें राधिका का कोई कसूर नहीं था और इससे हमें दुख मिला है, बदनामी नहीं। एग्जैक्टली मामा, यही फर्क है मुझ में और राधिका में। जिसे आप लोग बदनामी कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। पर जिस तरह से आज सब लोग राधिका के ऊपर इतना पिटी कर रहे हैं, वो मैं एक दिन के लिए भी टॉलरेट नहीं कर सकती। एंड वन मोर थिंग, अब मैं वो घर छोड़कर यहाँ पर आ चुकी हूँ आर्यन के पास। मैं नहीं चाहती कि मुझसे एक्सपेक्ट किया जाए कि मैं राधिका की तरह बिहेव करूँ, वैसी बन जाऊँ या वैसे रहूँ। यू गेट दैट? हाँ, सैटरडे को ओपनिंग है, और तुझे तो आना ही। बस सर, उसी काम में लगा हूँ दिन रात।
मैं क्या, पूरा घर लगा हुआ है, बच्चे, बाऊजी, इवन मालती भी। मालती का फोन आया था उस दिन शिव? हाँ, बताया था उसने मुझे, कह रही थी कि मिलने जाएगी तुझसे। यूं ही कह दिया होगा मेरी इज्जत रखने की खातिर, वरना सच कहूं शिव, उस दिन फोन पे ऐसा लगा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शिशिर, वो क्या है कि मेरी तबीयत को लेके बहुत परेशान थी बेचारी, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा। नहीं शिव, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, और मालती का मुझे माफ ना करना जायज है, उसका हक है। देख शिशिर, तूने वादा किया था ऐसी बातें नहीं करेगा तू। ठीक है भाई, नहीं करूंगा। मालती को मेरा हेलो कहना, और उसे यह भी कहना कि रेस्टोरेंट की इनॉग्रल पार्टी में मैं उसे जरूर मिलूंगा। ये बेहतर बात हुई ना शिव, तेरी नेकदिली का मैं तब भी कायल था, आज भी हूं। अब मैं क्या कहूं शिशिर? अब कुछ मत कह, खाना खा और सो जा, और अपनी तबीयत का ख्याल रखना, समझे? समझा। ऐसे ही फोन करते रहना शिव, बहुत अच्छा लगता। ओके बस, बाय एंड टेक केयर। यू टू, बाय। Look, I understand all of this, लेकिन क्या फायदा? हाँ, तुम्हारी नाराजगी तो घर के सारे लोगों से है, फिर तुम्हारी मम्मी को इतना अपसेट करने से क्या मिला तुम्हें? आर्यन प्लीज, अब तुम तो शुरू मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरी जुबान बहुत खराब है, मैं बहुत बुरी हूँ। I've heard it all. At least तुम तो मुझसे पापा की लैंग्वेज में बात मत करो, that's the last thing I expect from you, for God's sake. What are you trying to say, हाँ? कि कोई तुम्हें अपना समझ कर भी तुम्हें कुछ बोलने समझाने की कोशिश ना करे? I didn't mean it like that. I'm sorry. No, I'm sorry. मुझे नहीं बोलना चाहिए तुम्हारे मामलों में। राधिका कह रही थी आपने अब तक खाना नहीं खाया। इंतजार कर रहा था तुम्हारा। राधिका को बताकर भी नहीं गई, कहाँ जा रही हो तुम? उस वक्त बाऊजी वहां पर थे ना, इसलिए। मतलब? मैं मालविका से मिलने गई थी। किस लिए मालती, किस लिए? माँ हूं मैं उसकी, उसको समझाना फर्ज है मेरा। शिव, उसका स्वभाव मेरा डर बनता जा रहा है। मैं रात दिन उसको बुरा भला नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है शिव कि रात को मुझे नींद आती है। समझा के देख लिया, हाँ? ले आई उसे उस आवारा दोस्त के घर से जहां वो रहती है, और जहां रहकर पूरे शहर भर में हमारी इज्जत को उछालती फिरती। अब हम आराम से सो पाएंगे, है ना? सच कहता हूं मालती, मुझमें अब और हिम्मत नहीं है ये सब सुनने की। आइंदा अगर कभी वहां पे जाओ ना तो मुझे मत बताना, झूठ बोल देना मुझे, लेकिन उस नालायक लड़की का जिक्र मत करना मेरे सामने। अच्छा चलिए, खाना खाते हैं। भूख नहीं है मुझे। इतना अच्छा दिन है कल, नया काम शुरू कर रहे हैं, मुझसे नाराज होकर काम शुरू करेंगे? ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूं। पर मैं तुम्हें बता नहीं पाया, पूजा चल रही थी, कोई बात नहीं हो पाई।
उस वक्त जो लेटर आया था वो कोर्ट से था। रानी और मेरे डिवोर्स की हियरिंग है।